दोस्तों दिल्ली और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। इस मुकाबले में ऋषभ पंत एम्पायर पर भड़कते नजर आए। तो दोस्तों क्या हुआ, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों यह घटना घटी पारी के अंतिम ओवर में, जब दिल्ली को जीतने के लिए 36 रन की जरूरत थी और अंतिम ओवर लेकर आए ओवैद मुकोए की तीन गेंदों में तीन छक्के रोमैन पोवेल जड़ चुके थे, लेकिन तीसरा छक्का जो रोमैन पोवेल ने लगाया था वो कमर से ऊपर यानी कि नो बॉल थी, जिसे एम्पायर ने नो बॉल घोषित नहीं किया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। ऋषभ पंत तो बहुत ज्यादा एम्पायर पर भड़क गए, बहुत ज्यादा उनसे नाराज हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया था। ऋषभ पंत चाहते थे या तो इस बॉल को नो बॉल करा दिया जाए या फिर इस खेल को यहीं रोक दिया जाए। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को डगआउट से हाथ हिलाते हुए वापस बुलाने के लिए कहा था। दोस्तों ऋषभ पंत इतने गुस्से में थे कि शेन वाटसन को उन्हें समझाने के लिए आना पड़ा। खेल भावना बनाए रखने के लिए आप खेल को नहीं रुकवा सकते, खेल तो चलता रहना चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत ने शेन वाटसन की भी नहीं सुनी और उन्होंने दिल्ली के बॉलिंग कोच प्रवीण आमरे को मैदान पर भेज दिया और खिलाड़ियों को बुलाने के लिए कहा। दोस्तों फिर प्रवीण आमरे मैदान में पहुंचे, उन्होंने एम्पायर से बात की कि ये तो नो बॉल थी, आपको नो बॉल घोषित करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों फील्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को बॉल को रेफर नहीं किया, जिसके चलते इस गेंद को नो बॉल नहीं दिया गया। दोस्तों ऋषभ पंत ने जो किया वो सही था या गलत, इसका जवाब हमें नीचे जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप हमें ये भी बताइएगा कि ऋषभ पंत की इस हरकत के लिए उन्हें बैन लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों ICC रूल्स कहता है कि यदि कोई खिलाड़ी ICC खेल के अंतर्गत खेल भावना को ठेस पहुंचाता है तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा आप कि ऋषभ पंत पर फाइन लगाना चाहिए या नहीं। बाकी क्रिकेट की ऐसी ही ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें।